इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर कर देने का सपना देख रही कांग्रेस को नरहरि अमीन के जाने से बड़ा झटका लगा है। गुजरात में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हुए दिग्गज नेता और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नरहरि अमीन के जाने से कांग्रेस को दोहरी मार पड़ी है। पहले तो कांग्रेस छोड़ने का नुकसान हुआ, दूसरे खबर है कि नरहरि अमीन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद नरहरि अमीन के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा करेंगे। साथ ही केवल नरहरि अमीन ही नहीं, उनके समर्थन में कांग्रेस से त्याग पत्र देने वाले 5 और प्रमुख नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। नरहरि अमीन ने 2 दिन पहले ही अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अमीन खुद के टिकट काटे जाने से काफी नाराज थे। गौरतलब है कि अमीन न सिर्फ कांग्रेस के अंदर AICC के डेलीगेट थे बल्कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बनी कांग्रेस की कोर कमेटी के मेंबर भी थे। नरहरि अमीन चिमन भाई पटेल की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे थे। साथ ही नरहरि अमीन की करीब 2 दशक से अधिक वक्त तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन पर भी तगड़ी पकड़ रही। मोदी ने ही नरहरि अमीन को GCA के अध्यक्ष पद से बेदखल किया था और खुद अध्यक्ष बने थे। ऐसे में अमीन के बीजेपी में शामिल होने के बाद संभावना इस बात की है कि मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में नरहरि अमीन को दोबारा महत्वपूर्ण भूमिका मिलाए। नरहरि अमीन ने छात्र राजनीति से अपना सियासी सफर शुरू किया और जल्द ही गुजरात की राजनीति का जाना माना चेहरा बन गए। हालांकि चुनावी फ्रंट पर उन्होंने आखिरी बार जीत साल 2001 में हासिल की थी, जब उपचुनाव में अहमदाबाद की साबरमती विधानसभा सीट पर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया था। इसके बाद 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में अमीन हार गए थे। गुजरात के चरोतर इलाके से आने वाले नरहरि अमीन अत्यंत महत्वपूर्ण पटेल समुदाय से आते हैं। ऐसे में वो बीजेपी के लिए एक बड़े पटेल नेता के तौर पर भी उपयोगी रहेंगे, वो भी तब जबकि केशुभाई पटेल अपनी पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी के जरिए पटेलों को बीजेपी से खिसकाने की कोशिश में लगे हैं।